उनकी मूवमेंट शुरू। बीच में से एक ऐसे शख्स जिनको इनविटेशन मिला और उनकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही है कि वो इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। अमित जी कैसा लग रहा है, हम सबके बीच में से आपको इनविटेशन मिला है, आप उस पल के गवाह बनने जा रहे हैं। जी जी, सपना ये भगवान रामलला का पासपोर्ट है और जिसको मैं सिर माथे पे लगाता हूँ, और आज ये पल विटनेस करने का एक मौका मिलेगा। ऐतिहासिक पल है और न्यूज 18 की टीम बाहर नहीं अंदर भी होगी, मेरे साथ रूपिका होगी, हमारे ग्रुप के एडिटर राहुल जोशी होंगे, तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत मौका होगा, एक अद्भुत अवसर होगा इसे महसूस करने का। सोचिए 550 साल का इंतजार और उसके बाद रामलला आज विराजमान हो रहे हैं और लोगों का हजूम बता रहा है। अयोध्या नगरी के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का आप देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा, और कई साधु संत आए हुए हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं और गजब का उत्साह है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उत्साह मैंने कभी देखा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये दिवाली तो 550 साल बाद आई है, तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जय सिया राम सबको। क्या आप भावुक हैं? क्योंकि मैं जब सुनती हूँ भजन और पूजा पाठ, अगर हम लोग करते थोड़े से भी राम से जुड़े तो भावुक हो जाते हैं। कैसे लोगों में आस्था, जब मैंने आज मैंने सुग्रीव, जहाँ से मारी एंट्री है सुग्रीव किला का वो गेट, जो मैंने वो किला का गेट देखा तो एक पल में तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मन करा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस धरती को नमन करें जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। एक अद्भुत मौका है, शायद शब्दों में बयान इसको नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी लाइनों में लगी, ये संतों की बस जा रही है, आप देख रहे हैं ये संतों से भरी हुई बस जा रही है और ऐसी दो तीन बसें हैं, ये संत आप जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे वीआईपी हैं। अभी मैं देख रहा था बॉलीवुड के अनुपम खेर से मेरी मुलाकात हुई, अनुपम खेर मेरे साथ ब्रेकफास्ट में बैठे और हम लंबी चर्चा कर रहे थे। और मैं तो कहते हैं ना, एक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी जाने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए, तो अनुपम खेर भी हनुमानगढ़ी गए, मैं भी गया, ऋषभ शेट्टी आए हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स आए हुए हैं, साउथ के स्टार्स आए हुए हैं। अद्भुत मौका है, जो व्यूअर्स इस समय न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 देखते रहिए क्योंकि हमारी ग्राउंड टीम मंदिर के प्रांगण में भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, राम पथ की तस्वीरें देखे एक बार फिर, मैं आपको देख रहा हूँ वीवीआईपी मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, गाड़ियों का काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि 8,000 लोगों को निमंत्रित किया गया है इसलिए जो लोग अपने वाहन में आ रहे हैं उनको पास दिया गया है, जिनके पास वाहन नहीं उनको देखे इसी तरह की बसों में सजा करके अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन लगातार देखिए पुलिसकर्मी और जो इनवाइटी है वो सभी लोग लगातार अयोध्या धाम की तरफ पहुंच रहे हैं और अब से कुछ घंटे बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके साक्षी बनना चाहते हैं। इस बीच सुरक्षा की भी मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी लगा दिए गए हैं और सैनिक बल हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, और अब जो एंट्री इधर इस रास्ते की एंट्री थी सामान्य लोगों के लिए अब बंद की जा रही है।